अगली खबर सिंगरौली से है, जहां सिंगरौली जिले के सरई तहसील से महज 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पापल में गरीब ब्राह्मण किसान परिवार लगभग 4 महीने से सीमांकन कराने के लिए है परेशान। वहीं बता दें कि सीमांकन का आदेश का कागज लिए गली गली भटक रहा है। यहां पर दिखा बताना चाहेंगे, सरई तहसील के तहसीलदार व आरआई पटवारी समेत एसडीएम साहब तक ये जानकारी पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस गरीब किसान का कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया। किशोर तिवारी हमारा नाम है, ग्राम पापल के आहन, और आज 4 महीना से हम परेशान हैं सीमांकन खातिर। सीमांकन तहसीलदार साहब की हैं, 5 चक्कर गए तो कैसे के सीमांकन के रसीद कटी, रसीद पाए के कानून को पटवारी के लिए जाए थे तो वो कहा था कि तुझा पटवारी साहब कहा था जा आरआई साहब के पास, और आरआई साहब के लगे जाए थे तो कहा था कि जा पटवारी साहब के पास। आज तक हमारा सीमांकन नहीं किए, और ये विवादित भूमि आए और रात है पच नहीं आवे तैयार आई यहाँ, तो अब हम के लगे जाइए का करी, हम तो मर गए गरीब मन, हमार भूमिया वैसे सब छोड़ाए ले, एक जो उन खड़े हैं तो उन्हें आए एक पोका और आगे है वो सड़क के तीरे होकर आज तक सीमांकन नहीं किए। अब हम बहुत तबाह हैं, बहुत परेशान, करी तो करी का गरीब मनई मरे जी, अब हम का करी। 4 महीने से एक जहिए कागज लेके पाए तमाम यहाँ से वहाँ सब अधिकारी रहे, हम एसडीएम साहब के लगे, तहसीलदार साहब के लगे, पटवारी साहब के लगे, कानून को साहब के लगे, बाढ़ साफ कराए के पहुंच गया है, फिर और एक आज तक कोई नहीं निकारी, नहीं तो कोई पूछा था ही कि कहाँ की जमीन को आए कैसे ना आए, और ये विवादित भूमि आए हमारा भूया आन आन सब छिंदाए हैं, अब हम कहा करें हैं, कहाँ जाइ के लगे जाइ कोई सुनते ही नहीं है। अब बारिश हो ही गया है तो यहाँ कोई सुनते ही नहीं है, तो न कानून को सुना, न पटवारी सुना, न तहसीलदार सुना, हमारा जमीन सब आन आन छिंदाए हैं, तो अब हम के लगे जाइ कहा करी, कुछ समझ नहीं मिले, अब हमारे लिए नहीं समझ में आए कहा करिए, हमार भूया सब आन आन छिंदाए हैं, न तो हम जोते पाई न नांधे पाई, जबरदस्ती बोए ले था, ट्रैक्टर है ट्रैक्टर में दौड़ा ले था, जोतवा ले था सब, अब कहा करिए। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी ये जमीन का नपा दी जाए, खड़े होकर आए कि बता दी जाए कि एंट से, और उनसे जबर से जबर जंगन से छोड़ा दी जाए, साहेब हमको दिवा दी जाए हमारी जमीन की, हम खेती बाड़ी करी जुताई लदाई का हूँ।